हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिराज, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मैं आज बताने वाला हूँ कटोरी कट ब्लाउज। काफ़ी टाइम से इंक्वायरी आ रही थी कि आपको कटोरी कट ब्लाउज सीखना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास साइज़ है। लंबाई 14.5 है, चेस्ट 36 है, कमर 28 है, गला आगे से 7.5 है, पीछे से 10 है, बाजू की लंबाई 5 है और मोहरी 10 है, आर्मोल 16.5 है, डॉट पॉइंट 9.5 है। तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको आज बताने वाला हूँ फुल डिटेल में ब्लाउज कटिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारा ये सेंटर है, तो हमें सबसे पहले एक नीचे निशान लगाना है, ऐसे। ये हमारा मेन मार्जिन हो गया और ये हम यहाँ से कट करने के लिए एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि लंबाई 14.5 है, तो पीछे वाले पल्ले में हम 14 इंच की लंबाई रखेंगे, ये आप देख लीजिए। और जो हम मार्जिन लेने वाले हैं वो हम मार्जिन ऐड कर लेंगे जैसे कि, और आर्मोल का डाउन हम 6.5 देंगे। चेस्ट जैसे कि हमारा 36 है, तो 9 चौक 36, मैं उतने ही रख लूँगा। 2 इंच की लूजिंग डालता हूँ, तो जब मैं आगे का पल्ला कटिंग करूँगा उसमें लूजिंग आ जाएगी। इतना काम करने के बाद साइज़ के अकॉर्डिंग मैं गले का ब्रॉड रख लूँगा 2.75। गले का डिप हमारा 10 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 10.25 पे निशान लगाएंगे। अब कंधा रखना है, तो कंधा गले डिप के हिसाब से आप रखें। अब गला डिप है तो आप ज़्यादा चौड़ा कंधा ना रखें, इतना काफ़ी है, शेप दे दें। एक बार आर्मोल क्रॉस चेक भी कर लें, तो आप ये देखिए 17 आ रहा है। हल्का सा हम जब कटिंग करेंगे तो कवर कर लेंगे। डॉट पेन डाल दें ऐसे, डॉट पेन जैसे कि हमारा 9.5 है, तो पीछे वाले पल्ले में हम 10 पे रोक लेंगे। कमर हमारे पास जो है 28 है, तो 7 चौक 28। हमारे पास 2 इंच कपड़ा है, तो 2 इंच को हम ऐसे कवर करेंगे, 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। गले का जो भी शेप है आप वो शेप दे दें। मैं इसमें गोल कट करने वाला हूँ, तो मैं इसे गोल निशान लगा लूँगा। हम इसे कट कर ले रहा हूँ। कंधा मैंने एक पैर यहाँ पे गला ज़्यादा डीप किया था, तो मैं अब यहाँ से मैं ज़्यादा डीप गलाया, तो मैं एक पैर कंधा ऐसे टाइट डाउन कर दूँगा। आप देख सकते हैं हमारा बैक पल्ला कट हो चुका है। अब मैं इसी की मदद से फ्रंट पल्ला कट करूंगा। तो सबसे पहले मैं जैसे कि मैंने दूसरा पैटर्न लिया है, आप देख सकते हैं मैंने निशान पूरा उठा लिया है जहां से हमें कट करना है। और हम क्या करेंगे कि अब इसको हम हटा देंगे। अब हमें सबसे पहले गला रखना है। गला जैसे कि हमारा 7.5 है, तो हम ये 7.5 पे निशान लगाएंगे। तब हमें क्या करना है, इस साइड में 1/2 इंच बढ़ा, एक पैर बढ़ा लेना है, जो हम आई हुक में मार्जिन लेंगे। लंबाई हमने 1/2 इंच छोटी काटी थी, तो हम लंबाई 1/2 इंच बढ़ा लेंगे। और अभी हम फिलहाल हम इतने ही कट कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे सेम कॉपी कर लिया है, ये देखिए, ठीक है, हमने सेम कॉपी कर लिया। अब इधर हमने जो 1/2 इंच मार्जिन लेना था हमने वो बढ़ाया है, और इधर में जो हमने 1/2 इंच कम काटा था हमने वो बढ़ाया है। तो अभी हमारा बैक का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसका निशान उठा लेंगे बस, तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, हमें ये हाला छाटना है। तो जैसे कि हम इसका हाला छाट देंगे ऐसे, जैसे कि मान लीजिए हमारी लंबाई थी, ये मान लीजिए लंबाई है, ठीक है, ये आपकी मेन लंबाई है। तो हमने जो बैक की लंबाई रखी है उससे हमें क्या करना है, 1/2 इंच पहले एक निशान लगाना है, ये
हाफ इंच का निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक इंच और ऊपर उठा देना है, ये तो एक इंच ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए 36 में पैड हम 6 इंच का देते हैं, तो हम सामने से चोली 6 इंच की काटेंगे, तो ये हमारी 6 इंच की चोली हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, हमारा डॉट पॉइंट है जैसे कि 9.5, तो हम एक डॉट पॉइंट पे निशान लगाएंगे। ब्रॉड हमारा 7.5 रहेगा, तो हम ये 7.5 पे निशान लगाएंगे। अभी जैसे कि कमर हमें यहाँ पे रखनी है 7 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा है, बट यहाँ पे हम 1.5 इंच करेंगे, तो 1.5 इंच को हम यहाँ कवर कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे मिला देना है। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से हमारी बेल्ट कट गई है। अब हमें क्या करना है, गले में से लेना है ऐसे, जो गले की गोलाई है आप देखें, यहाँ से हमें 2 इंच लेना है करीब, यहाँ से 2 इंच कट कर लेना है। तो अब हमें क्या करना है, स्मूथ तरीके से यहाँ से लेना है गले की गोलाई से, और पहले हमें इसमें मिलाना है, और इसमें मिलाते के साथ साथ हमें ऐसे ऐसे उठा लेना है। ये देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक शेप आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है। तो जैसे कि आप देखें ये कट हो चुका है। अभी हमारा यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा था, तो हम इसको साइड से 2 इंच छाट देंगे ऐसे। अब आप देख सकते हैं हमारी जो कमर है ये यहाँ पे आ जाएगी, तो जो हमारे फिटिंग का निशान लगेगा वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, जब हम इसको कटिंग करेंगे, तो जब हम मेन में कटिंग करेंगे, तो ये हम जो मार्जिन लेंगे उसे हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो इन दोनों का काम हमारा हो गया है। अभी हमें ये चोली एक्स्ट्रा कटिंग करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, ये वाली चोली कॉपी करनी है, मान लीजिए, तो हम इसके सारे निशान उठा लेंगे। आप देख सकते हैं इसके सारे निशान उठ गए हैं, और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी हाफ एक पैर का मार्जिन है, ये हमारा ऑलरेडी एक पैर का मार्जिन था। अब हमें क्या करना है, इधर में 1/2 इंच और इधर में 1 इंच, और इधर में जितना हम सिलाई में मार्जिन लेंगे वो हम एक्स्ट्रा कट मार्क कर लेंगे। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको शेप दे देनी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमारा ये कट चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें डॉट डालनी है, तो डॉट पॉइंट हम ऐसे उठा लेंगे, ये जैसे कि मान लीजिए ये हमारा निशान था, तो इसकी हम हाइट इससे ले लेंगे ऐसे, और उसके बाद हम डॉट पॉइंट का ब्रॉड हम ऐसे रखेंगे 7.5। यहाँ पे हमारा ये, अब जो हमारी आई हुक की पट्टी लगेगी वो हमारी ऐसे सिली जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से 7.5 इंच लेंगे ऐसे, ये हमारा डॉट पॉइंट का सेंटर हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें ऐसे निशान लगा देना है। अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से हमें, ये देखिए 2.25 इंच की रेडी करनी है चोली। तो 5 इंच के हिसाब से जैसे कि आप देखें हमारे पास 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो 3 इंच को हम ऐसे कवर करेंगे ऐसे। तो आप ये देख सकते हैं मेरी डॉट डल गई है।
तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है हमारा पीस, ये आप देखें। जैसे कि मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, हमें सबसे पहले एक नीचे निशान लगाना है, ऐसे लंबाई जैसे कि 5 इंच है तो हम 5.5 इंच लेंगे ऐसे, क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन जाएगा, 3.5 इंच हम आर्मोल का डाउन देंगे। मोहरी 10 है तो हम 5 इंच, 5 × 2 = 10, आर्मोल 16.5 देना है तो ऐसे हम 7.25 रखेंगे, और ऐसे 7.25 हो जाएगा, और हम इसे मिला देंगे ऐसे, आर्मोल की हम शेप दे देंगे ऐसे करके। बाजू हमारी कट गई, अब हमें आर्मोल छाटना है, तो हाला में ऐसे हल्का सा ऐसे जाएंगे सीधा, देन उसके बाद हम ये डाउन कर देंगे ऐसे। तो आप देखें हमारा पूरा पीस कट चुका है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक ले जाए, जय भारत।